अब तक आपने देखा? अनन्या, तुम दुल्हन बन के इस हवेली में आई हो, इसी का जश्न तो मना रहे हैं सारे के सारे। अब तो तुमको कल रात का ही इंतजार करना पड़ेगा। तुमसे शादी करके हमने बहुत बड़ी भूल कर दी। शट अप! माँ ठकुराइन हमको धमकी दिए थे कि अगर हमने अपना जबान खोला ना तो तुमको मारकर हवेली के किसी कोने में गाड़ देगी। जो भी चीज हमारे घर में आती है वो पांचों में बांट दी जाती है। अब तुमको भी इस परंपरा का ख्याल रखना है, इसलिए पांचों के बीच कभी फर्क मत करना। आज से तुम जो भी करोगी, जो भी बनाओगी, पांचों के लिए करोगी, पांचों के लिए बनाओगी। अब देखिए आगे। अरे बस भाई, अब शक्ति को खिलाकर हो गया हो तो अपने हाथों से बाकियों को भी खिला दो। हम खिलाएंगे। अब अपने हाथ से बनाया है तो अपने हाथ से खिलाओगी भी ना? चलो खिलाओ। से 5 ग्लास दूध? शक्ति इतना दूध पीते हैं क्या? ये गाड़ी ऐसे क्यों भाग गई? माँ बहुत गुस्सा होगी कल रात की हरकत से हमारी। सही कह रहा है छोटे यार, कल सारा शराब ज्यादा पी लिए और हमारी वो फूल जैसी प्यारी दुल्हनिया सुहाग की सेज पे हमारा इंतजार करती रहेगी। लेकिन आज रात छोड़ेंगे नहीं उसको। अरे नहीं छोड़ेंगे, काहे छोड़ेंगे? अब गुनहगार शिकंजे में आ ही गया है तो सजा मिलेगी और पूरी मिलेगी। ठीक कहा भाई आप, माँ की बेइज्जती का हिसाब पूरा चुट्टा करना है उस अनन्या। वाई थी सोच के इस घर में कि खुशियां उसका इंतजार कर, पर यहाँ हम सब मिलते उसकी जिंदगी नफ्स की बत्तर हमारी द्रौपदी। अरे वाह रानी, वो भी दिल की। आदर्श भैया आइए ना बैठिए। हम तो वही अनन्या के बारे में बात कर रहे थे, कह रहे थे कि जितनी दुल्हन वो हमारी है उतनी आपकी भी है। क्यों? हो गया तुम दोनों का ये बेहुदा मजाक। मजाक नहीं भैया, सच्चाई। हम पांचों की बीवी है, वो हम सबका हक बनता है। हाँ तो माइक दे दें
अनाउंस कर लो पूरे बेगूसराय में कि तुम्हारी पत्नी है, हैं? जब तक अनन्या के सामने माँ सच्चाई नहीं ला देती है ना, तब तक जुबान पे कंट्रोल रखो, समझे? अगर उसको पता चल गया ना तो ध्यान रखो, समझे? जी भैया। कैसे बताए कैसे जताए सुबह तक तुझ में जीना चाहे, भीगे लबों की गीली हंसी को पीने का मौसम है पीना चाहे। एक बात कहूँ क्या इजाजत है, तेरे इश्क की मुझको आदत है। एक बात कहूँ क्या इजाजत है, तेरे इश्क की मुझको आदत है। एक दूजे से जुड़ रहे, एक तेरी तलब मुझे ऐसी लगी, मेरे होश भी उड़ने लगे। मुझे मिलता सुकून तेरी बाहों में, जन्नत जैसी एक राहत है। एक बात कहूँ क्या इजाज़त
इज्जत है तेरे इश्क की मुझको आदत है क्या हो गया तुझे अनन्या? कैसे सपने देख रही है? लगता है शक्ति आ रहे हैं। आपको हमारी याद, कल से इंतजार कर रहे हैं हम आपका। और आप, ये कोई तरीका है अपनी बीवी से मिलने का? सो गए ऐसे तो जान देने की बात करते हैं, और यहां हम आपका चेहरा देखने के लिए। कोई सहूर नहीं है आपको, जाइए, हम आपसे बात नहीं करते। Oh, 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 oh,
आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं? वही जो मुझे करना चाहिए। घबरा क्यों रही? देखिए, आपने बहुत शराबी रखी। आप प्लीज प्लीज हमारे रूम से बाहर जाइए। अरे मैं क्यों कमरे से बाहर जाऊंगा? मुझे तो तुम्हारे पास होना चाहिए। देखिए प्लीज बाहर जाइए। कितनी खूबसूरत लग रही है। शक्ति 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 अच्छा वो आप मिल गए। शराब पी ली है, वो हमारे रूम में घुस आए हैं। क्या हुआ? अब बनता है। वैसे हक तो हमारा भी बनता है। तुम्हारे कमरे में? अरे हक है उनका, पति है वो तुम्हारे। हाँ, वो पांच जो तुम्हारे पति हैं और तुम उनकी एक लौती पत्नी। क्या बोल रही है आप? वही बोल रहे हैं जो सच। तुमने हमारे पांचों बेटों से शादी की। आदर हक, पति नंबर 1।
पति नंबर 3। समर ठाकुर पति नंबर 4। और शक्ति ठाकुर पति नंबर 5। I'm gonna take a